तिल के लड्डू हम बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एकदम कड़क बन जाता है और कई बार ऐसा होता है कि ये दांत में बहुत ही चिपकता है। तो आज हमने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से तिल के लड्डू बनाए हैं। इस तरह से तिल के लड्डू बनाते हैं तो एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनता है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं एकदम क्रिस्पी और खस्ता तिल के लड्डू। ₹250 ग्राम तिल लिया है, ये 2 कप तिल है। इसे कढ़ाई में डाल के भून लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के तिल क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे हम भूनेंगे। तिल का हमें कलर चेंज नहीं करना है, ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तब तक ही इसे भूनना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के मैंने इसे 4 से 5 मिनट भून लिया है। गैस ऑफ कर देंगे। तिल भूनने से ये थोड़ा फूल जाएगा, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तिल को मैंने बाउल में निकाल लिया है। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे, देसी घी हमने लिया है। 1/2 कप चिक्की का गुड़ लिया है। आपको अगर चिक्की का गुड़ नहीं मिले तो आप नॉर्मल गुड़ ले सकते हैं, ये 125 ग्राम जितना गुड़ है। तिल हमने 250 ग्राम लिया है तो उसके सामने गुड़ हमें 1/2 लेना है। 250 ग्राम तिल है तो 125 ग्राम गुड़ लिया है। लगातार चला के धीमी आंच पे गुड़ को मेल्ट करेंगे। तिल और गुड़ का मेजरमेंट हम इस तरह से लेंगे तो लड्डू जो है वो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। लड्डू कड़क नहीं बनता है और दांत में चिपकता भी नहीं है इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। तो धीमी आंच पे गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ मेल्ट हो गया है, धीमी आंच पे लगातार चला के ही इसे कुक करना है। धीमी आंच पे लगातार चला के 4 से 5 मिनट कुक किया है और गुड़ का कलर भी चेंज हो गया है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि गुड़ की चाशनी बन गई है या नहीं। गैस को पहले हम बंद कर देंगे, थोड़ा सा पानी में डाल के इसे देख लेंगे। आप देख सकते हैं गुड़ जो है वो आसानी से टूट रहा है। इस तरह से गुड़ टूटना चाहिए। गुड़ को आप इस तरह से बाउल में डाल के भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आवाज आ रही है, तो गुड़ जो है वो कुक हो गया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। बेकिंग सोडा डालने से गुड़ जो है वो एकदम हल्का और फ्लफी हो जाता है और आप देख सकते हैं उसका कलर भी चेंज हो गया है। थोड़ी देर के लिए गैस चालू कर देंगे। धीमी आंच पे ये सब मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे कुछ सेकंड के लिए वापस कुक किया है और गुड़ जो है वो कितना एकदम फ्लफी बन गया है। इसमें ये तेल डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमने एकदम धीमी कर दी है। गैस बंद कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस पे से मैंने नीचे उतार दिया है और एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी वाला हाथ कर लेंगे, चम्मच से थोड़ा थोड़ा लेके हम इसका लड्डू बना लेंगे। ये गरम गरम है तभी इसका लड्डू बनाना है, इसे बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है। गरम गरम में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लड्डू बन जाएगा। आप देख सकते हैं अगर हाथ में चिपकता है तो आप पानी वाला हाथ थोड़ा सा कर ले और फिर बाद में लड्डू बनाए, क्योंकि ये गरम है तो ये हाथ में चिपक जाएगा। और एकदम हल्के हाथ से लड्डू बनाना है। इस तरह से हम सारे लड्डू रेडी कर लेते हैं। लड्डू हमें एकदम जल्दी जल्दी बनाना है, ठंडा हो जाएगा तो लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। और अगर लड्डू का मिश्रण ठंडा हो जाता है तो आप गैस पे रख के इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए।
धीमी आंच पे कंटिन्यू चला के इसे थोड़ा गर्म कर लेंगे तो आसानी से लड्डू बन जाएगा। इस तरह से हम सारे लड्डू रेडी कर लेते हैं। आधे लड्डू मैंने बना लिए और आधे लड्डू अभी बाकी है बनाना। तो मिश्रण हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है तो अभी ये लड्डू बनेगा नहीं, तो इसे वापस थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेते हैं। एकदम अच्छे से इसे गर्म कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए गर्म किया है, गैस ऑफ कर देंगे और इसका वापस लड्डू बना लेते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके लड्डू बना लेंगे। ठंडा होने के बाद भी ये आसानी से बन जाएगा, थोड़ा गर्म करेंगे तो। तिल के लड्डू हमने बना के रेडी कर लिए हैं। ये एकदम क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।